हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम लोग चल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के, तो उसमें हम लोग यूनिट 4 नंबर पावर स्विचिंग डिवाइस एंड ट्रिगरिंग सर्किट को लेकर चल रहे थे। 4 नंबर वाला वीडियो आप लोग को डाला गया है, उसके बाद आज 8 नंबर वाला पढ़ेंगे। तो उसमें बताया गया था आपका 4-4 नंबर वाला कौन सा प्रश्न किस टाइप से पूछता है, किस तरह से लिखना है। तो उसमें 10 क्वेश्चन बताया गया था और लास्ट में आप लोग को एक न्यूमेरिकल दिया गया था बनाने के लिए। तो बहुत सारे लड़के ने बनाया है, तो मैं और कुछ लोग नहीं बनाए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन बना देता हूँ। तो क्या था आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल? द इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो फॉर UGT इज डिटरमाइंड टू बी 0.6 इफ द इंटर बेस रेजिस्टेंस इज 10 kΩ। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ RB1 एंड RB2? इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो दिया गया है UGT का 0.6 एंड इंटर बेस रेजिस्टेंस मीन्स RBB दिया गया है आपका कितना, 10 kΩ। तो हमारा वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा RB1 और RB2 का। तो जो जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले, और जो जो निकालना है उसको व्हाट कर देते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, RB1 इंटर बेस रेजिस्टेंस दिया गया है 10 kΩ और इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो दिया गया है, जिसको ईटा से हम लोग डिनोटेड करते हैं, वो 0.6 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं RBB बराबर क्या होता है, RB1 प्लस RB2 मीन्स इंटर बेस रेजिस्टेंस जो होता है आपका कितना होता है, RB1 प्लस RB2 होता है। तो देखिएगा RB1 आपका दिया गया है 10 और ये नहीं दिया गया है, ये क्या करना है, निकालना है। तो ये क्या करना है, एक नंबर मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1। तो एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, ईटा बराबर क्या होता है, RB1 बटा RB1 प्लस RB2। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था जब ये पढ़ाया गया था स्टैंड ऑफ रेशियो, इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का क्लास जब चल रहा था, तो ये फॉर्मूला बताया गया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बराबर RB1 बटा RB1 प्लस RB2। तो यहाँ से देखिएगा कि ईटा बराबर आपका दिया गया है 0.6, तो 0.6 यहाँ पे पुट कर दिए, और RB1 कितना है, RB1 नहीं है, तो ये RB1 को RB1 लिखेंगे, और RB1 प्लस RB2 एक इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे क्या हो गया, 10। RB1 प्लस RB2 कितना हो गया, 10 इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो क्या हो गया, RB1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 kΩ आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 kΩ आ जाएगा RB1। और RB1 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में RB1 के जगह पे आप 6 रखिएगा तो RB2 निकल जाएगा कि नहीं, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 6, तो RB2 क्या हो जाएगा आपका, 4 kΩ। तो इस तरह से आपका जो जो बनाए हैं वो आंसर मैच कर लीजिएगा, RB1 6 एंड RB2 4 ओम आएगा। तो इस टाइप से बनाना रहता है, ये 4 नंबर में आपका पूछता है, पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखना है फॉर्मूला को, ठीक है। तो मैंने बताया था पावर स्विचिंग डिवाइस एंड ट्रिगरिंग सर्किट में कि 4 महत्वपूर्ण चीज है आपका, ट्राइक डाइक UJT एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग को किसी भी तरह से उसको याद कर लेना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। यही 4 टॉपिक में से ये यूनिट नंबर 4 है जो खत्म होता है, और इसी 4 टॉपिक से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो आज का सेशन में सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज ट्राइक, डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्राइक एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो देखिएगा ये 8 नंबर के आपको पूछा गया है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ट्राइक के बारे में लिख देना है, उसके बाद डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्राइक, उसके बाद ट्राइक को पूरा लिख के डिफिनेशन कितने, उसका सिंबल ये सब वगैरह पूरा लिख के, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल लिख देना है किस तरह से इसका ट्राइक वर्क करता है, और लास्ट में इसका एप्लीकेशन लिख देना है, ट्राइक का एप्लीकेशन क्या है। तो ये 8 नंबर में आपका पूछा जाता है, इतना लिखिएगा तब। नेक्स्ट है आपका, ड्रा द UJT करैक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द कर्व शो डाउन। UJT को करैक्टरिस्टिक्स इसको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा बना के, तो ये 8 नंबर में आपका पूछता है। तीसरा नंबर में क्या है, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूजिंग UJT एंड एक्सप्लेन एज टू हाउ डज इट्स फंक्शन।
इस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा और उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा यूजिंग UJT को यूज करके, और उसका फंक्शन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है UJT का। आपका क्लास में बहुत अच्छे तरीका से बताया गया था, वो वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो इसको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वो वीडियो जरूर देखें ताकि ये सब याद करने में आपको फायदा होगा और समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को जरूर देखें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर वहाँ पे सारा का सारा टॉपिक का वीडियो बनाया गया है, तो वो वीडियो अच्छे ढंग से देखिएगा और जो नोट्स मिला है नोट्स से उसको याद कीजिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें भी 8 नंबर का पूछता है, 4-4 नंबर का दो देगा। तो SUS एंड UJT का शॉर्ट नोट पूछेगा तो इसके बारे में विस्तार से लिख देना है। 4-4 नंबर का आता है, एक अगर लिखिएगा तो 4 नंबर, ये वाला लिखिएगा दोनों लिख दीजिएगा तो 8 नंबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर फंक्शन ड्रा द VA करेक्टरिस्टिक्स, ये 8 नंबर में आपका पूछता है। मैंने देखिएगा हमेशा UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ट्राइक डाइक यही चार गो पे पूरा का पूरा ये चैप्टर घूमते रहता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि चार इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, ट्राइक डाइक UJT एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसको किसी भी तरह से आपको याद कर लेना है, किसी भी तरह से इसको समझ जाना है और एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, उसको बना के आना है। नेक्स्ट है, ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT एंड डिस्कस इट्स वर्किंग फ्रॉम द सर्किट। क्या कहा है, UJT का सर्किट को इक्विवेलेंट ड्रा करना है और उसको वर्किंग को डिस्कस करना है और उसके बारे में पूरा का पूरा फंक्शन कैसे वर्किंग होता है UJT का वो सारा का लिखना है। तो UJT का इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सारा का वीडियो आप लोग को अवेलेबल है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। देखिए क्वेश्चन वही है, खाली पूछने का तरीका है क्या अलग अलग है, सारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, ये नहीं कि अलग अलग है, कुछ चेंजिंग है बस, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। इसको सर्किट डायग्राम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का ड्रा करना है, उसके बारे में लिखना है और वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्कस करना है कि कैसे वर्क करता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये 8 नंबर का प्रो को पूछेगा और पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI का N। नेक्स्ट है आपका, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ डाई। डाई का सर्किट डायग्राम ड्रा करना है, उसके बारे में लिखना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को है एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपका पावर स्विचिंग डिवाइस एंड ट्रिगरिंग सर्किट में 8 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके अलावा बहुत कम चांस है कि आप लोग को आएगा। तो जो बताया जा रहा है वो लोग आप लोग जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही आप लोग को बेनिफिट होगा। इसी 4 नंबर और 8 नंबर में से आपका प्रश्न आएंगे, तो जो आपको बताया गया है 4 नंबर में और 8 नंबर में वो सारा का सारा आप लोग कर लीजिएगा, एक कॉपी लीजिए और कलम और सारा का सारा क्वेश्चन लिखिए और उसको पूरा का पूरा आप लोग नोट्स बना लीजिए, ताकि लिखिएगा तो याद भी होगा और नोट्स बन जाएगा तो एग्जाम के टाइम में एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से हम लोग का यूनिट नंबर 4 भी खत्म हुआ। 3rd में आप लोग पढ़े थे थेरिस्टर पे 4 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन कराया गया था, तो आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद ये वाला कर लीजिएगा, पावर स्विचिंग डिवाइस एंड ट्रिगरिंग सर्किट का 4 नंबर और 8 नंबर दोनों पे खत्म हुए यहाँ पे। अब अगले वीडियो में हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई का 4 नंबर और 8 नंबर वाला लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।